मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, मोटे मोटे चश्मे लगा रहे थे। तो मैंने उनको ये दो सुझाव दिए जिनको फॉलो करके उनकी आंखें एकदम नॉर्मल रूप से काम करने लगी हैं। इन टेक्निक्स के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड नहीं करने हैं। कभी आपने YouTube पर वीडियो देखते समय नोटिस किया होगा वीडियो की क्वालिटी होती है 144 यानी 144 पिक्सल्स, 240 पिक्सल्स, 360 पिक्सल्स, ऐसे करते करते 1080 पिक्सल्स तक होते हैं। तो अगर अभी आपकी आंखें 360 यानी 360 पिक्सल्स की क्वालिटी से देख रही हैं और अगर आपने मेरी आज की बताई हुई टेक्निक को अच्छे से किया तो आपकी आंखें 360 से 1080 पिक्सल्स तक चली जाएंगी और आप दुनिया को और हाई डेफिनेशन से देख पाएंगे। एक्चुअल में 360 पिक्सल्स और 1080 पिक्सल्स तो एग्जांपल्स हैं। असल में हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल्स की होती हैं। मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी की क्लैरिटी जो कोई अच्छे से अच्छा कैमरा भी नहीं दिखा सकता हमें। जानते हैं आपकी आंखों की सबसे अच्छी दोस्त कौन है? एक मोमबत्ती। जी हाँ, क्योंकि एक मोमबत्ती आपकी आंखों की रोशनी को पूरी तरह से बढ़ा सकती है। मोमबत्ती की जो लाइट होती है, जो लौ होती है, असल काम वो करती है आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए, या फिर आपकी आंखों की रोशनी अभी जितनी है उससे दोगुना करने के लिए आपने मोमबत्ती को अपनी आंखों से 1.5 से 2 फीट यानी 1.5 से लेकर 2 फीट दूर प्लेस करना है। फिर उसके सामने बैठकर मेक श्योर करें कि आप उसके लेवल पर ही बैठें। उस मोमबत्ती को अपनी आंखों से देखना है, उसे तब तक देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाएं। दिन में 2 बार इसे करने से कुछ ही हफ्तों में आपको इसका परिणाम नजर आने लगेगा। एक आइडिया दूं आपको, हम सबके घर में बने मंदिर में सुबह शाम जोत जलाई जाती है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेज द लाइट टू कीप योर आई साइट इंटैक्ट। और एक बात, यह टेक्निक आपको एक बोनस भी देती है। आपकी रोशनी तो तेज होती ही है, इसके साथ साथ आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। एक बात का ध्यान रखें, जब आप प्रकाश को देख रहे हो तो पलक न झपकाएं और तब तक देखते रहें जब तक आपकी आंख उसे देख सके और आखिरी में पानी आने लगे। यह एक तरह का सिग्नल है कि आप ठीक से इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं और आपकी आंखें दुरुस्त होती जा रही हैं। दूसरी टेक्निक के लिए चाहिए एक पेंसिल। पेंसिल की निब को थोड़ी दूर रखना है और अब निब पर फोकस करना है। निब पर फोकस रखते हुए ही उसे धीरे धीरे अपनी तरफ लाना है, सामने ले आना है और ले आना है, तब तक लाना है जब तक कि वो आपके फोकस से बाहर ना हो जाए। मतलब वो इतनी पास आ जाए कि आपको साफ साफ दिखे ही नहीं, यानी धुंधली दिखने लगे। अब इसे दूर कर दो और फिर इस प्रोसेस को 4 से 5 बार करो, यानी पास लाओ, दूर करो। इस एक्सरसाइज से आपकी नजर बहुत मजबूत बनने वाली है ना दिलचस्प? ना कोई पैसा लगा, ना कोई दवा खानी पड़ी और ना ही आंखों को जलाने वाली कोई दवा डालनी पड़ी, फिर क्यों ना की जाए। चलिए अब सबकी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए शेयर का बटन दबाएं और जन जन के कल्याण के भागीदार बने। धन्यवाद।